नभेम्बर पहिलारु राज्य रे धान संग्रह आरंभ हेबो। चलित वर्ष 55 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य रखा जायछि। खरीफ रे 44 लाख एवं रबि रे 9 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करा जिवो। प्रथम पर्याय रे 4टि जिल्लारु खरीफ धान संग्रह करा जिवो। परे नभेम्बर 15 तारिखरु अन्य जिल्लारु धान संग्रह करा जिवो बोली आजि सचिवालय रे धान संग्रह कमिटि बैठक रे निष्पत्ति होईछि। तेबे मरुडि प्रभावित अंचल रे धान संग्रह करा जिवो नाही। चासिंको बैंक अकाउंट को सीधा सळख टंका डिपोजिट करा जिवो। एमएसपी सुनिश्चित करबाकु जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाय छी। चलित वर्ष 10 लाख चासी पंजीकरण करथिबा मुख्य शासन सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी सूचना दैछंती। एने अधिक आलोचना पई सीधासळख जिबा हम प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद सडंगी को पाखकु। दुर्गा प्रसाद, जे 4टि जिल्ला रु खरीफ धान प्रथमे संग्रह करा जिवो बोली कुहा जाईछि, केउ केउ 4टि जिल्ला रहिछि थरे? बंधुता देखंतु, जो 4टि जिल्ला जो 23 तारीख दिन आमे मध्य ए खबर को एक्सक्लूसिवली मध्य प्रसारण करथिलु, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी एवं संबलपुर, ए 4टि जिल्ला रु प्रथमे ही धान संग्रह आरंभ हबो नवंबर पहिला रु। बाकी जिलागुड़िक नवंबर 15 तारीख में मध्य पर्यायर आरंभ हो, तो नवंबर मास शेष सुधा सबु सारा राज्य में धान संग्रह खरीफ ऋतु आरंभ हो सरकार निष्पत्ति नहीं। पूर्व आपड़ जानते कैबिनेट निष्पत्ति मुताबक धान संग्रह जो गाइडलाइन बा नीति अच्छी निर्देशावली जो कैबिनेट रो मोहर लगी चलित वर्ष खरीफ ऋतु 44 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह खरीफ ऋतु और रबि ऋतु में 9 लाख मेट्रिक टन मोट सर्वनिम्न 53 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह सरकार लक्ष्य रखिंट किंतु यहाँ सर्वोच्च सीमा नुहे सर्वनिम्न सीमा 53 लक्ष रु अधिका मध्य जोठी उत्पादन हेछि मध्य सरकार धान संग्रह करिपारिबे। पूरा धान संग्रह प्रक्रिया को स्वच्छ एवं पूरा कड़ाकड़ी एमएसपी को तलू को जिभ माने कौनसी जगार चाषी मैंने अभावी बिक्री शिकार न होंती सेथिपाई मध्य सरकार व्यवस्था करिछन्ती। आपण जानिछन्ती 23 तारीख दिन आम खबर प्रसारण करिकरी मध्य पूरापूरी दर्शाइथिले जे केन्द्र सरकार कृषि मंत्रालय अतिरिक्त सचिव सीधासळख 6 तारीख में कृषि मुख्य शासन सचिव को एमएसपी को एनश्योर करने लिखिते और पर 21 तारीख में 21 तारीख में समवाय विभाग उपसचिव मार्कफेड एवं प्राथमिक समवाय समिति कृषि विपणन निर्देशालय एवं ओसाम सदस्य सचिव को मध्य लिखिकी स्पष्ट कर एमएसपी को किभली एनश्योर करा एमएसपी तले अभावी बिक्री जे भली न हो मिलर माने कौनसी जगार चाषी को शोषण कर कम मूल्य धान न किणवे से एनश्योर करने कड़ा निर्देश दि जाए। आप जानते समवाय आईन में संशोधन करी राज्य सरकार पूर्व जिलापाल नोडाल अफिसर भावे संग्रह पर्टिकुलरली प्रोक्योरमेंट एडिशनल सेक्रेटरी भावे से निजुक्ति तेणु निश्चित भावे ए वर्ष गोटे नुआ नियम ए चलित वर्ष मुख्य शासन सचिव सूचना दे कहते जे आगुरु जो धान संग्रह होता पंजीकृत चाषी मानू जो धान संग्रह होता से धानर जो मूल्य एमएसपी जो मूल्य गुड़िक से गुड़ाक डिस्ट्रिक्ट प्रोक्योरमेंट कमिटी को जाता डिस्ट्रिक्ट प्रोक्योरमेंट कमिटी चाषी मानू पेमेंट करूला किंतु नियम एथरक यही वर्षु बदल दि जा सीधा सड़क समवाय बैंक रु पैसा सीधासळख डीबीटी जरिया रे चासी को बैंक अकाउंट को जीवो एवं जो चासी पंजीकृत चासी जो माने धान संग्रह करा जाइथिबो मार्कफेड बा प्राथमिक समवाय समिति द्वारा सेमानंक अकाउंट को सीधासळख समवाय बैंक खातारु पैसा ट्रांसफर हबो तेनो इथरे कोनोसी प्रकार रो मिडिल मैन बा कोनोसी जो पॉइंट आपण कहिले चासी को बैंक अकाउंट को जो सीधासळख टंका डिपॉजिट करा जीवो ए गोटे पॉइंट रहूछि आ गोटे मरुडी प्रभावित अंचल रे धान संग्रह करा जीवो नाही ए दुईटी पॉइंट निश्चित भाबर चासी को पाई खुशी आनी देव बोली कुआ जाउछि। निश्चित भाव जो प्रश्न आपण करुछन्ती से प्रश्न मध्य आमे मुख्य शासन सचिव को करथिलु जे जो 15टि जिला 70टि ब्लॉक 1125टि ग्राम पंचायत रे मरुडी प्रभावित बोली सरकार वर्तमान गतकाली मुख्यमंत्री स्वतंत्र पैकेज घोषणा करिछन्ती 3,15,000 हेक्टर जमि रे स्वल्प वृष्टिपात जोगु धान फसल नष्ट होइछि से सब जिले में उत्पादन नहीं किभली सजो सरकार पूर्वरु टार्गेट रखिथिले 53 लाख मेट्रिक टन सेक्टर किभली पूरा हो पार तो ये प्रश्नर उत्तर में मुख्य शासन सचिव कहते जे 53 लाख होछि सर्वनिम्न धान संग्रह लक्ष्य रखिथिले उभय रबि ऋतु और खरीफ ऋतु किंतु निश्चित भाव राज्य में यहाँ अधिक 60 लाख रु ऊर्ध मेट्रिक टन पाखापाखि 70-80 लाख मेट्रिक टन आदाय कराए तेणु निश्चित भाव यहीटा गोटे
कौनसी प्रकार बाधक हबो नाही। जो 15 जिले में मरुड़ी प्रभावित होती से सबु जिलार सबु ब्लॉक प्रभावित नुह, अर्थात जमी जदि आम देखा बलांगीर सबुठ अधिका ब्लॉक हूँ 14 ब्लॉक पर परे बरगड़ 10 ब्लॉक एवं अन्य नुआपड़ा 5 ब्लॉक, तेणु यह प्रकार हिसाब कले सुवर्णपुर ढेंकानाल 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक गोटे ब्लॉक यही, तेणु यही जदि हिसाब करा जाए जो 3,15,000 हेक्टर जमीन धान फसल मरुड़ी जो नष्ट सेगुड़िक हिसाब बाद सेगुड़िक 53,00,000 मेट्रिक टन उपर प्रभाव पकेला भले किछि नाही। सीधासळख मुख्य शासन सचिवंकर कहिबा कथा जो संबलपुर पद्मपुर कुहंतु बा बरगड़ निश्चित भाव गोटे कथा स्पष्ट रहउछि कि मुख्य शासन सचिव जहाँ सूचना देइछन्ति ताहा निश्चित भाव चाषीक मुहरे हस फुटेबो जहाँ अनुमान करा जाउछि एवं चाषीक बैंक अकाउंट को सीधासळख टंका आसिबो एवं मरुड़ी प्रभावित अंचल धान संग्रह करा जिवो नाही।